Hey guys, welcome back to the another episode of Basic Maintenance with Cycle Rider Roy. And आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कितनी आसानी से आप अपने बाइसिकल के ब्रेक वायर्स को और उसके ब्रेक होस को मैनेज कर सकते हो, जिससे आपके बाइसिकल का ब्रेक हमेशा परफेक्टली काम करता रहेगा, चाहे आप एक मैकेनिकल डिस्क ब्रेक यूजर हो या फिर एक वी ब्रेक यूजर हो। So let me quickly show you. Now guys, you know, जब आप ब्रेक को प्रेस करते हो तो आपकी जो ब्रेक की वायर्स होती हैं वो अप एंड डाउन पूरा ट्रैवल करती है आपके ब्रेक होज में से। तो अगर आपके ब्रेक होज के अंदर या आपके ब्रेक के वायर में रस्ट होगा या ऑब्स्ट्रक्शन होगा किसी भी तरीके का, तो आपकी जो ब्रेकिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं आती है। आप सिंपली अपने ब्रेक वायर्स के कैलिपर में से इस तरीके से लूज कर लो अपने ब्रेक वायर को लाइक दिस, ताकि आपका ब्रेक वायर कैलिपर में से निकल आए। ये हमने निकाल लिया है। स्टेप टू, आप अपने ब्रेक को इस तरीके से पुल करके यहाँ से केबल को इस तरीके से थोड़ा सा निकाल लो। यहाँ पे ये हो जाएगा, आपके यहाँ पे एक स्मॉल गैप होगा, उस गैप में से आप इस तरीके से वायर्स को पूरा रिलीज कर दो केबल में से। देयर यू गो, अपने ब्रेक के होज में से इस तरीके से पूरा का पूरा बाहर पुल आउट करके निकाल लो कुछ इस तरीके से। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप वी नीड WD-40। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज WD-40 की मदद से ही वील बी फ्लशिंग आउट दिस होज। इस होज के अंदर जितना भी कचरा है, रस्ट है या कुछ भी है, कंटेमिनेशन है, वो पूरा हम लोग फ्लश आउट मारेंगे WD-40 से। एंड जो हमारी ब्रेक की वायर है उसको भी इसकी मदद से थोड़ा सा ल्यूब्रिकेट हम कर देंगे। सो ये ब्रेक होज को फ्लश आउट करने के लिए WD-40 के साथ जो ये पाइप आता है ना रेड कलर का, इसको आप लगाओ पूरा का पूरा इस तरीके से अंदर। ये काफ़ी इजीली अंदर इसके घुस जाएगा क्योंकि पतला सा है। एक बार ये ऐसे अंदर चला गया एंड देन ऐसे थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दो। बस थोड़ा सा स्प्रे मारोगे वो पूरा अंदर तक चला जाएगा। नाउ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब आप अपने ब्रेक होज को पूरा फ्लश आउट मारोगे, आप मेक श्योर करें कि जो एंड वाला ब्रेक होज है वो आप इस तरीके से किसी कपड़े के ऊपर ऐसे लगा दो, किसी रैग के ऊपर, ताकि उसके ऊपर पूरा WD-40 आके लगे, ना कि आपके ब्रेक के कैलिपर के ऊपर। तो इससे WD-40 यहीं पे पूरा रह जाएगा। इस तरीके के रैग में हल्का सा WD-40 ऐसे मार लो पूरा, और ये जो आपका ब्रेक वायर है इसको इस तरीके से क्लीन एंड ल्यूब्रिकेट कर लो। इससे ये भी पूरे तरीके से क्लीन हो जाएगा, कोई रस्ट वगैरह अगर इसमें लगा होगा तो वो गायब हो जाएगा। WD-40 से हल्का फुल्का ये भी ल्यूब्रिकेट परफेक्टली हो जाएगा। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्टली क्लीन। वापस ब्रेक वायर में लगाने के लिए पुल इट अप हल्का सा, नीचे से इस तरीके से इसको करो अंदर इंसर्ट, एंड हल्का सा इसको ऐसे पुश करके यू जस्ट सिंपली एंटर इट लाइक दिस, ऐसे अंदर डाल दो। हमने अंदर पहले WD-40 से फ्लश कर दिया है, तो अब ये ईजिली पूरा का पूरा ऐसे अंदर चला जाएगा। अपने ब्रेक वायर को इस तरीके से अंदर डालो, ब्रेक होज को इसके साथ फिक्स कर दो, एंड जो आपका ब्रेक वायर है उसको आप वापस इस तरीके से अंदर लगा के टाइट कर दो एलन की मदद से। दो चार बार आप इस तरीके से पूरा आगे पीछे करो, ताकि आपका ब्रेक वायर एकदम मस्त तरीके से काम करने लगेगा। So guys, you just saw how easy it is to maintain your bike with the help of WD-40. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, you can go ahead and buy it from there, और अपनी बाइक को इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। इस तरीके का मेंटेनेंस आप एटलीस्ट हर महीने में एक बार जरूर फॉलो कर लेना, तो आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसी और भी मेंटेनेंस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, एंड साथ ही जो बेल बटन है उसको प्रेस करके रखिए।